तो जो शहर में बावड़ियां थी उन बावड़ियां को भर के कई बार उनके ऊपर इमारतें बन गई। नाथद्वारा शहर को आप देखें तो वहां ऐसे करीब 30 बावड़ियां हैं जो पहले थी आज नहीं है। या आज नाथद्वारा में आप नाथूवास तालाब को देख ले, उसमें गंदा पानी भरा जाता है। नाथूवास तालाब की पाल में जो निकासी थी वो निकासी टूट गई, खराब हो गई, मरम्मत करने के बजाय उसको चुना दिया गया। तो आप खमनौर को देख लो, वहाँ तालाब है लेकिन पानी का सही उपयोग नहीं हो रहा है। लेकिन जो वेनिस शहर की जो सुंदरता है, जो उदयपुर ज़्यादा सुंदर था, वो सुंदरता तो हम कायम नहीं रख पाए, लेकिन जो वेनिस का गंदा पानी है वैसा गंदा पानी उदयपुर में जरूर ले आए। व्यंगात्मक स्थिति है कि उन्होंने पेड़ और पहाड़ काट के पानी का इंतजाम किया है, तो उस पानी की टंकी से भला कितना भी पानी बह जाए ये धब्बा तो धुलने वाला नहीं। इसके कारण हम आज इस संकट में हैं। कुंभलगढ़ एक आखिरी उदाहरण है कि जहाँ पेड़ और पहाड़ काट के होटलों का बाजार की तैयारी पूरी तरह से हो रही है। और जिम्मेदारी से काम लेना है और ध्यान से और जिम्मेदारी से लेंगे तो नैतिक स्तर और भूजल का स्तर दोनों ऊंचा ही रहेगा, और भूजल ऊंचा रहेगा तो पेयजल भी आएगा। पक्ष विपक्ष तो नहीं है, और मानवता के कारण हमारा सबका फर्ज बनता है कि हम सभी के पास पेयजल पहुँचाएं। जहाँ सुधार की बात हो तो सुधार का एक अंश होता है कि हम जांच लें कि हम इस गंभीर स्थिति में पहुँचे कैसे। सबसे पहले हमको तय करना होगा कि सिर्फ पेयजल की बात अकेले नहीं हो सकती है। पेयजल से जुड़ा हुआ है भूजल, पर्यावरण, पोल्यूशन और प्रकृति के कायदे। प्रकृति के कायदे से तो कोई जीत नहीं सकता है। इसका मतलब नहीं कि हम नए तरीके नहीं अपना सकते हैं, लेकिन अगर हम नए तरीके अपनाएं तो हमें प्रकृति के तरीके को ध्यान में रखना चाहिए, तभी लंबे समय तक सफलता के चांस ज़्यादा ही होंगे। दक्षिण राजस्थान को देखें तो वहाँ जगह जगह पर तालाब थे, छोटे तालाब, बड़े तालाब, कुएं थे, कुंड थे, बावड़ियाँ थी। उस समय हाँ घर तक पहुँचाने की सुविधा नहीं थी जल की, लेकिन उस समय जल पर्याप्त था, तकनीक नहीं। आज तकनीक का दावा है लेकिन उसी क्षेत्र में जल नहीं। करीब 60-75 साल ये भी दौर शुरू हुआ नवीनीकरण का कि सब कुछ जो पुराना था अच्छा या बुरा उसको नकारा गया, और साथ ही में नकारे गए प्रकृति के कायदे और जो पुराने पानी भराव के और पानी एकत्र करने के तरीके। काफ़ी हद तक जनसंख्या जो बढ़ी है उस पर दोष दिया जाता है ये पेयजल के संकट के लिए, लेकिन यह एक अधूरा सच है, क्योंकि जब भी शहर बढ़ने लगे तो जो शहर में बावड़ियां थी उन बावड़ियां को भर के कई बार उनके ऊपर इमारतें बन गई। नाथद्वारा शहर को आप देखें तो वहाँ ऐसे करीब 30 बावड़ियां हैं जो पहले थी आज नहीं है, या आज उनका उपयोग नहीं हो सकता है क्योंकि लोग उन पर कचरा फेंक रहे हैं या पानी दूषित है। उदयपुर का दावा है कि उदयपुर में करीब 100 ऐसी बावड़ियां हैं। कुछ दिन पहले यहाँ पे चर्चा हुई थी कि क्या हर बावड़ी हेरिटेज बावड़ी है, तो जहाँ तक मेरे ध्यान में है पिछले 75-100 साल में किसी ने कोई बावड़ी बनाई नहीं है। बावड़ी बंद तो ज़रूर करी है। तालाबों की बात देखें, बड़े तालाब हो, छोटे तालाब हो, 75-60 साल पहले कितने तालाब थे और आज कितने रह गए हैं और उनकी क्या दुर्दशा है। नाथद्वारा में आप नाथूवास तालाब को देख ले, उसमें गंदा पानी भरा जाता है। नाथूवास तालाब की पाल में जो निकासी थी वो निकासी टूट गई, खराब हो गई, मरम्मत करने के बजाय उसको चुना दिया गया। तो अब ये तालाब है जिसमें कोई निकासी नहीं है और गंदा पानी भरा जाता है। समय समय लोगों के घर पे गंदा पानी जाता है और जो पानी का भराव का क्षेत्र है वहाँ लोग रहने लगे हैं। नाथद्वारा के दूसरे तालाब भी दूषित हैं। आप भले रेल मगरा देख लो, वहाँ और भी दूषित है। आप खमनौर को देख लो, वहाँ तालाब है लेकिन पानी का सही उपयोग नहीं हो रहा है। उदयपुर की देखें तो उदयपुर जाना जाता है वेनिस ऑफ द ईस्ट, लेकिन जो वेनिस शहर की जो सुंदरता है, जो उदयपुर ज़्यादा सुंदर था, वो सुंदरता तो हम कायम नहीं रख पाए, लेकिन जो वेनिस का गंदा पानी है वैसा गंदा पानी उदयपुर में जरूर ले आए। जब से उदयपुर बसा है तो उदयपुर के पश्चिम क्षेत्र में कभी कोई निर्माण नहीं हुआ क्योंकि पानी का अवाक उसी तरफ से होता है, लेकिन पिछले दशक से, पिछले 2-3 दशक से वहाँ पे भी निर्माण होने लगा है। ग्रीन बेल्ट है, फॉरेस्ट लैंड है, साथ में होटलें भी है, और जहाँ सरकार को एक उद्देश्य, एक उदाहरण पेश करना चाहिए वह उदयपुर शहर में ग्रीन बेल्ट में उन्होंने एक मगरा काट के, पेड़ काट के एक पानी की टंकी बनाई है, और पानी की टंकी के साथ में उन्होंने एक बड़ी इमारत भी बनाई है। तो ये तो एक व्यंग
व्यंगात्मक स्थिति है कि उन्होंने पेड़ और पहाड़ काट के पानी का इंतजाम किया है, तो उस पानी की टंकी से भला कितना भी पानी बह जाए ये धब्बा तो धुलने वाला नहीं। इस एक तरफ तो ये रुख है और दूसरी तरफ से एक कड़ा रुख अपना के नादवारा में सुखाड़िया नगर जैसे क्षेत्र में फॉरेस्ट लैंड के लोगों को अपने हक से वंचित रख रहे हैं। तो हम तो खेद कर सकते हैं कि पहले के अदूरदृष्टा के कारण हम आज इस संकट में हैं। कुंभलगढ़ एक आखिरी उदाहरण है कि जहां पेड़ और पहाड़ काट के होटलों का बाजार की तैयारी पूरी तरह से हो रही है। तो अभी भी हमारे पास कई बावड़ियां हैं, कई तालाब हैं, हम नए भी बना सकते हैं कि जो भी हैं उनको सुधार करें। तो अगर उसी क्षेत्र में वहीं से पानी आए तो वो बेहतर है, दूर दरार मीलों से पानी लाने से क्या फ़ायदा, इतना खर्च भी क्यों। बाकी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दूसरे भी सुझाव है, जैसे रेन वाटर हार्वेस्टिंग, एक्वीफर रिफ्रेशमेंट, रिफॉरेस्टेशन, वाटर कंजर्वेशन, ये सब तरीके हम अपना सकते हैं। लेकिन ये गंभीर स्थिति है, हमें ध्यान से और जिम्मेदारी से काम लेना है, और ध्यान से और जिम्मेदारी से लेंगे तो नैतिक स्तर और भूजल का स्तर दोनों ऊंचा ही रहेगा, और भूजल ऊंचा रहेगा तो पेयजल भी आएगा। आपको धन्यवाद मुझे मौका देने के लिए। श्री मनोज मेघवाल।